देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं सोनू गुप्ता। खबर से न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए ले चलते देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार के बाद आज गुरुवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बढ़त दर्ज नहीं की गई। बुधवार को भी राजधानी देहरादून में पेट्रोल 89.70 व डीजल 81.97 रुपए प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। उत्तराखंड में डिजिटल माध्यम से वित्तीय लेन देन के लिए अधिकृत कंपनी की ओर से की जा रही गड़बड़ियों के मामले में वित्त निदेशक के जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने उन्हें दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि नियत की है। देहरादून जिले के 3 सरकारी अस्पतालों में मरीजों के खाने का संकट खड़ा हो सकता है। मरीजों के खाने का ही इन 3 अस्पतालों पर 60 लाख रुपए बकाया हो गया है। एक साल में अधिक समय से बकाया भुगतान न होने के कारण कैंटीन संचालक ने अब खाने की गुणवत्ता राज्य सरकार में भाजपा ने जताई है। मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी का मानना है कि यदि उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है तो इससे न सिर्फ कुमाऊं बल्कि पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बदल सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक पूर्व फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी फौजी हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा लेकर खुद हुआ फरार। ग्रेटर नोएडा में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, जिसके 3 दिन बाद आरोपी ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने अपराध के बारे में सूचना दी है। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के प्रयासों से नई दिल्ली से टनकपुर के लिए पूरा के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस और नई दिल्ली से ही कोट द्वार के लिए सिद्ध बनी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन की तारीखें तय हो गई हैं। 26 फरवरी को पूरा गिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन और 3 मार्च को सिद्ध बनी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन होगा। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के आकाश मधवाल को आईपीएल के 14वें सत्र के लिए विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से बुलावा आया है। आकाश को नेट बॉलर के रूप में बुलाया जा रहा है। देहरादून में फरवरी की गर्मी ने बुधवार को बीते 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल में पहली बार फरवरी को अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार गया। इससे दिन के समय लोगों को काफ़ी गर्मी का एहसास हुआ, लोगों को पंखे तक चलाने पड़े। वहीं गुरुवार को बादल छाए रहने से लोगों को राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा के विधायक रह चुके सुरेंद्रनाथ सिंह मामा की एक फोटो से विवाद खड़ा हो गया। पूर्व विधायक ने अपने फेसबुक पर बंदूक के साथ एक फोटो डाली, जिस पर कांग्रेस से कार्रवाई की मांग की है।